लवली उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मजे से होंगे आज मेरा चटपटा और ठंड का मौसम हो या कुरकुरा और चटपटा खाने का मन किसका नहीं करता तो चलिए बनाना शुरू करते हैं रेस्टोरेंट का बेहद पसंद किए जाने वाला स्टार्टर चिकन सिक्सटी फाइव तो इस कुरकुरे से चिकन 65 को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक किलो चिकन जिसको हमने अच्छे से वॉश करके एक बड़े से बोल में निकाल लेना है अब इसके अंदर हम फटाफट -फड़ से कुछ मसाले शामिल करेंगे जैसे कि एक बड़ा चम्मच नमक सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे फिर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा हाफ टी स्पून काले मिर्चों का पाउडर और वन फोर्थ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे अब बारी आती है जी रेड चिली पाउडर की तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो टाइप की ली है मिर्चेंड हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून लिया है कश्मीरी रेड चिली पाउडर अब इसमें बेहतरीन सी खुशबू जगाने के लिए इसमें टू टी स्पून साबुत धनिया ऐड करेंगे जिसको कि मैंने दरदरा सा कोट लिया है फिर शामिल कर देंगे वन टी स्पून कुरियंडर पाउडर भी और अब इसमें डाल देंगे हम टू टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चले जी ये तो हो गए इसके मसाले इसमें ऐड करते हैं हम एक जादुई चीज़ जिसकी वजह से बेहद कुरकुरा बन जाएगा वो है कॉर्नफ्लावर तो टू टी स्पून में कॉर्नफ्लावर एड करी हूँ एक किलो चिकन के अंदर साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी फोर टी स्पून बेसन ये दोनों चीजें इसको कुरकुरा भी बनाएंगी और उसके ऊपर एक पकौड़े जैसी कोटिंग भी देंगी अब एड करेंगे एक अदद अंडा जिसको की मैंने बिना बीट कर डायरेक्टली ऐसे ही डाल दिया है खट्टेपन के लिए इसमें डाल देंगे एक नींबू बीज निकाल दीजिएगा उसके बस जी अब हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे चिकन को इतने प्रॉपरली करेंगे कि रेशे रेशे में मसाला चला जाए अच्छा मैंने एक काम और किया जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई वो ये कि मैंने बड़ी बड़े जो पीसेस थे चिकन के उसमें थोड़े से कट्स लगा दिए हैं जिसकी वजह से जितना मसाला मजेदार सा खट्टापन है ना वो इसके रेशे रेशे में पहुंच जाए तो बस ये अच्छे से मिक्स हो चुका है अब इसको हम एक घंटे के लिए बिना कोई छेड़खानी करें ऐसे ही रख देंगे मैरिनेट होने के लिए अगर आपका मौसम थोड़ा सा गर्म है तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए अदरवाइज तो आप इसको काउंटर पे भी रख सकते हैं अब एक घंटा हो चुका है और हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है अब इसमें हम ऊपर से ना जो सफेद तिल होते हैं सेसमे सीड्स जिन्हें कहा जाता है वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल भी कर देंगे और साथ में एक एक पीस को उठा के ऊपर से भी बुरख देंगे मिक्स मत कीजिएगा वरना क्या होगा कि वो जो सेसमे सीड्स हैं वो बिल्कुल चिकन के मसाले में कहीं अंदर दबके मर जाएंगे बेचारे तो ऊपर से उठाइएगा पीस को और ऊपर से स्प्रिंकल करके डायरेक्टली कढ़ाई के अंदर हमें फ्राई करना है ये मैंने आपको करके दिखा दिया अब यहाँ मैंने गैस पर रखी एक कढ़ाई और उसके अंदर तेल गरम कर लिया है मैंने हाई फ्लेम के ऊपर हमारा तेल रखा हुआ है अब इसके अंदर एक, -एक पीस को उठाइए और डालते चले जाइए जितने पीसेस आपकी कढ़ाई के अंदर आ जाए और बिना टच करे घड़ी में देख लीजिएगा तीन से चार मिनट हाई फ्लेम के ऊपर हमें इन पीसेस को फ्राई करना है अगर इस बीच में आपने इसको हिला दिया ना तो क्या होगा ऊपर की जितनी कोटिंग है वो सब तेल में ही मिल जानी है और चिकन बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा चार मिनट के बाद में देखिए गैस को अब लो टू मीडियम कर देना है और इसके ऊपर मज़ीद दस से बारह मिनट के लिए हम अपने चिकन को फ्राई कर देंगे अलटते पलटते हुए अच्छा एक चीज़ फोक्स, क्योंकि मेरे चिकन के पीसेस काफी बड़े बड़े हैं तो मैं यहाँ पर चार मिनट के बाद में 10 से 12 मिनट इनको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई कर रही हूँ लेकिन अगर आपके पीसेस छोटे छोटे हो तो आप इनको पांच से छ मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा क्या माशाला से खूबसूरत सुर्ख रंग आया है हमारे चिकन सिक्सटी का बहुत लाजवाब बनता है फोक्स इससे पहले आपने बहुत सारे चिकन फ्राई ट्राई करे होंगे जो ट्रेडिशनली बनता है वो भी और इसके अलावा लेमन चिकन वगैरह भी लेकिन ये जो चिकन 65 की रेसिपी मैंने इस बार ही आपके साथ शेयर करी है ये आपने एक बार ही बना लिया आई स्वर आप आगे से कोई रेसिपी ट्राई नहीं करने वाले और प्लीज अगर आप इसको ट्राई करें तो मुझे कमेंट में आके जरूर बताइएगा मुझे बेहद खुशी होगी गलना देखिए जरा इसका एकदम अच्छे से गली हुई अंदर तक से रेशा रेशा इसका तो चलिए इंजॉय कीजिए इसे अपनी फैमिली के साथ में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज